तो खबर भोपाल से है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है बीजेपी। केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम रखा गया है। सभी 29 सीटों पर होगा लाभार्थी संपर्क अभियान। संपर्क अभियान टोलियों का आज होगा प्रशिक्षण। दोपहर 12 बजे का वो समय होगा जब बीजेपी दफ्तर पर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद होंगे इसमें शामिल। लाभार्थी संपर्क अभियान की प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अलका गुर्जर भी शामिल होंगे इसमें। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाभार्थी संपर्क अभियान किन मायनों में महत्वपूर्ण और खास माना जा रहा है? जमीनी स्तर की अगर बात की जाए तो कितनी मजबूती लाता हुआ यह अभियान नजर आएगा? देखिए, बीजेपी की जो तैयारी है केंद्र सरकार और मध्यप्रदेश सरकार की योजनाओं से जो जो लाभार्थी लाभान्वित हैं, यानी जिनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उनके दर पर उनके घर तक बीजेपी के नेता दस्तक देंगे। और इसकी जो पहली बैठक है, जो प्रशिक्षण है, आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रखा गया है। 29 विधानसभाओं के जो लाभार्थी सम्मेलन के इंचार्ज हैं और जो सह प्रभारी हैं, प्रभारी और सह प्रभारी, उन लोगों का ये प्रशिक्षण है। राजधानी भोपाल में उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि कैसे मध्य प्रदेश के नेताओं को, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को उन लाभार्थियों तक सीधा पहुँचना है, उनके पास पहुँचना है। दरअसल ये पूरी तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर है और बीजेपी चाहती है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेता हर उस घर तक दस्तक दें जिस घर को केंद्र सरकार या मध्यप्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तमाम जो नेता हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, उनके घर पहुंचेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और उनको ये एहसास दिलाया जाएगा कि आप केंद्र सरकार की योजना का जो आप लाभ ले रहे हैं, उस लाभ उस योजना से आपको क्या फायदा हुआ, प्रदेश सरकार की योजना है जिसका आपने लाभ लिया उससे क्या फायदा हुआ, यानी सीधे तौर पर इसका जो फायदा है बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिल सकता है, बीजेपी का ऐसा मानना है। उसी के तहत आज ये प्रशिक्षण कार्यक्रम तय किया गया है जिसमें बताया जाएगा कि जब लोगों के घर पहुंचेंगे तो उनको कौन कौन सी बातें करना है। दरअसल प्रदेश के बाहर जिला लेवल पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जो प्रदेश की जो टोली है जो आज यहां पर शामिल होगी, ये जिलों में स्तर पर इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी और जिला लेवल से फिर सारे जो प्रशिक्षण करता है वो जिनको बताया जाएगा कि कैसे लोगों के घर पहुंचना है, क्या क्या मुद्दों को लेकर बातचीत करनी है, वो जिला लेवल से फिर मध्य प्रदेश के तमाम जो घर हैं वहां पर पहुंचेंगे। यानी कह सकते हैं कि बीजेपी ने उन पर लोकसभा के बीच उन पर सबसे अधिक फोकस किया है जो कि केंद्र सरकार या मध्यप्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए राकेश, यहाँ पर दो बड़े संदेश बीजेपी देती हुई नजर आई है। पहला तो ये कि हाँ, सरकार की योजना जो है वो हर घर तक पहुंचने में कामयाब हो रही है। दूसरा बड़ा संदेश ये कि लोकसभा चुनावों के लिए हर क्षेत्र में किस तरह से बीजेपी मजबूती लाती हुई इन अभियान के जरिए नजर आ रही है। राकेश, आप बने रहिए, आपसे आगे भी खबरों में हम अपडेट लेते रहेंगे।